सो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं अपना मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी गाइज चलो मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं किस प्रकार से अलर्ट मोशन को साइन इन करना है ताकि कोई भी एरर ना आए। तो गाइज देखो सबसे पहले तो आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को अपना फोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से इंस्टॉल करके रखा हूँ, मैं आपके सामने इसे ओपन भी किया हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर अलर्ट मोशन अभी साइन इन नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ से प्रोफाइल वाला सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे देखिए साइन इन रिक्वायर्ड लिख रहा है, यानी कि साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ से साइन इन करके नहीं रखा हूँ। तो अभी मैं आपके सामने इसे साइन इन करके दिखाऊंगा दो तरीके से। ठीक है गाइज, जैसे कि गाइज मैं यहाँ पर आपको फेसबुक से कनेक्ट करना सिखाऊंगा, साइन इन करना सिखाऊंगा और किस तरीके से आप गूगल से कर सकते हैं। और ये दो तरीका देखने के बाद गाइज अगर आपका किसी एक तरीके से नहीं हो रहा ना तो किसी और एक तरीके से हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको दो तरीके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो के अंत तक देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, आप ही खुद समझ सकते हैं। तो चलो बात करते हैं, भाभी बहुत बात कर चुके हैं। तो गाइज देखो यहाँ पर लिखा है साइन इन, तो जैसे आप यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर तीन तरीके से आप इसे साइन इन कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप ईमेल से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं और यहाँ से आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको फेसबुक से साइन अप करना है, साइन इन करना है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं फेसबुक पर साइन इन और यहाँ से फेसबुक लॉग इन नहीं होता है, साइन इन नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर कट हो जाता है। तो गाइज देखो इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से साइन इन विथ फेसबुक पर क्लिक मत करो। हाँ गाइज क्लिक मत करो, यहाँ से आपको कट कर देना है। और यहाँ से सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है, सर्च बॉक्स के अंदर FB लॉगिन। ठीक है, FB लॉगिन सर्च करना है। तो गाइज देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है वेबसाइट के ऊपर https://m.facebook.com। यहाँ पर गाइज जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइज देखो यहाँ पर आपका जो फेसबुक है ना आप यहाँ से ओपन कर पाओगे। ठीक है, यानी कि ओपन हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपका क्रोम ब्राउजर में फेसबुक लॉगिन नहीं है तो सिंपली आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है तो आप क्रोम ब्राउजर में आपका फेसबुक जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से सिर्फ लॉगिन ही करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कट कर देना है। उसके बाद गाइज आपको आना है, फिर से आपको अलर्ट मोशन पर आना है और अभी आपको साइन इन विद फेसबुक पर क्लिक करना है। गाइज जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो चलो देखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और गाइज देखो यहाँ पर भी मोबाइल नंबर और पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हालांकि वहाँ से जैसे आप ईमेल पासवर्ड देते हो तो गाइज यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन गाइज अभी ये नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा ना, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ से आपको पासवर्ड देना होगा, जो भी जिस भी फेसबुक आईडी से आप कनेक्ट करना चाहेंगे। तो गाइज जैसे आप यहाँ पर दे दोगे उसके बाद लॉगिन बटन पर जैसे गाइज क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोफाइल वो आ जाएगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते गाइज आप फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही प्रोसेस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप तो कर ही लोगे। ठीक है, आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा जितना देर तक मैं आपको बताया हूँ। अभी बात करते किस प्रकार से आपको ईमेल या तो गूगल से कनेक्ट करना है। तो गाइज देखो ईमेल से कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से आप गूगल से कनेक्ट करते हो एकदम बेस है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर कोई भी एक तरीके मैं आपको दिखा दूँ तो दूसरा तरीका आप सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से गूगल से कनेक्ट करोगे। तो गाइज देखो यहाँ पर गूगल आपको दिखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको साइन इन विथ गूगल पर एक बार क्लिक करना है। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फोन में जितना सारा गूगल यानी कि जीमेल आईडी लॉगिन रहेगा, सारा जीमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। जैसे गाइज देखो मेरे केस में यहाँ पर शो कर रहा है सारा, लेकिन मैं यहाँ से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थोड़ा ब्लर करके रख दिया हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, किसी भी एक जीमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से एक जीमेल आईडी पर ऊपर एक बार क्लिक कर दिया हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो थोड़ा सा रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा ऊपर में देखिए थोड़ा घूम रहा है और देखिए गाइज यहाँ पर डायरेक्ट ये साइन इन हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोफाइल के सेक्शन के ऊपर मेरा यहाँ पर साइन इन रिक्वायर्ड लिख रहा था। तो गाइज देखिए अभी मेरा यहाँ पर जीमेल का जो नेम है गाइज यहाँ पर आ चुका है और नीचे जीमेल भी शो कर रहा है। मैं आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पर साइन इन हो चुका। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आपको फेसबुक से कनेक्ट करना है और फेसबुक से अगर नहीं होता तो गाइज यहाँ पर आपको करना है ना, आपको ईमेल से भी करना है। तो गाइज देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि फेसबुक से भी नहीं होता है और जीमेल से भी नहीं होता है, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, चलिए मैं आपको इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इतना दूर तक बता दिया हूँ। तो गाइज देखो जैसे अगर आपका मान लो कि यहाँ पर नहीं हो रहा दोनों तरीके से, तो गाइज समझ लो कि आपका जो वर्जन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है। और अलर्ट मोशन मतलब हमेशा बोलता है कि जैसे ही पुराना हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देता है, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो गाइज कोशिश करो कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो गाइज देखो वहाँ से आप ये जो पुराना वर्जन है इसे यूज करो। और गाइज फाइनली और एक बात सुन लो, ये प्रॉब्लम तब दिखने को मिलता है जब आप मोड एपीए को यूज करते हैं। तो गाइज मोड एपीए को अवॉइड करो, जो इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन है अलर्ट मोशन का उसे आप यूज करो, तो गाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया ऐसा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका ये जो साइन इन प्रॉब्लम जो आ रहा था गाइज प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत आसान तरीके से इसे साइन अप कर पाओगे यानी कि साइन इन कर पाओगे। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो देखने का चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।